सो व्हाट इज द ब्यूटीफुल एंड लवली, स्वागत है आपका आपके भाई के चैनल पे। सो यार टुडे वी आर गोइंग टू डू आवर फर्स्ट सर्विस ऑफ बाइक। और ये हमारी पार्टी हो रही है। अभी हमारी जो बाइक थी ना वो रिजर्व पे लग गई थी और फिर मैंने उसमें 190 का पेट्रोल डाला है जो कि 2 लीटर है, परफेक्टली 2 लीटर है आज के रेट से। मतलब आज का रेट है 94 point something जो कि 95 है। तो मैंने 2 लीटर का पेट्रोल डाला है और ये 2 लीटर में कितना चलेगी ये मैं आपको बताऊंगा। अभी इसको इसका ट्रिप लगाते हैं हम लोग। किधर से लगाते हैं? अरे ये नहीं, ये नहीं, ये नहीं, ये हाँ, ये ट्रिप ए पे अभी बाइक है। ठीक से देख लो, ट्रिप ए पे बाइक है और अभी हम जा रहे हैं इसको सर्विस करने के लिए जो कि यहाँ से कुछ लगभग 10 to 15 किलोमीटर है। मतलब मैं ऑलरेडी चला के आया हूँ 20 to 25, लेकिन वहाँ पर शूट नहीं किया, फटाफट से निकला है क्योंकि यहाँ पे पेट्रोल भरना था। पेट्रोल पंप पे बहुत गर्दी, सालों रेट बढ़ रहा है और पेट्रोल पंप की गर्दी कम नहीं हो रही है। क्या चल रहा है भाई? 94 पेट्रोल पहुँच गए फिर भी पेट्रोल पंप पे गर्दी है। अभी 100 हो जाएगा कुछ दिन में, फिर भी रहेगी। तो चलिए चलते हैं सीधा शोरूम में इसका फर्स्ट सर्विस करने के लिए। और ये मैं क्या दबा दिया यार, मेरे को सीखना पड़ेगा। ये भी ट्रिप भी चला गया, अभी बराबर है ट्रिप ए, लेट्स गो। अभी देखो बराबर दो गाड़ी दिखा रहा है, दो गाड़ी के इंडिकेशन दिखा रहा है। गाड़ी बोलता हूँ मैं उसको और कुछ नहीं। आवाज सुन रहे? आवाज सुनती थी कुछ हो जाता है। कंप्लीट हो चुके हैं, अभी हम निकल रहे हैं यहाँ से। जो भी हुआ मैं आपको बताता हूँ बस थोड़ी देर में। किधर आऊँगी, निकल रहे यहाँ से अपना ट्रिप किधर गया। हाँ नंबर प्लेट आया था, इसका भी काम हो गया है पूरी तरह से। और अभी हम घर नहीं जा रहे, हम जा रहे हैं अपने स्टोर के। यहाँ एंड नाउ हम रुके क्योंकि क्या क्या सर्विसिंग हुआ है, क्या क्या उन लोगों ने काम किया है वो आपको बताना है हमें। तो या इसलिए हम ऐसे शांत जगह पे आए, किसी का आवाज़ नहीं, कुछ नहीं, कुछ नहीं। सो लेट्स गो, एक एक बात बताऊंगा। पहले इसको मैं स्टैंड पे लगा दूँ यार, इसका ये अच्छा है यार, मैं स्टैंड पे लग जाती है आराम से। पहली चीज़ चेंज हुई वो मतलब ऑयल, जो कि यहाँ से नीचे से एक नट खोला गया था और इस साइड से है। और ये फिल्टर रहता है यहाँ पे, ये फिल्टर रहता है यहाँ पे जो अभी गर्म है बहुत। यहाँ से फिल्टर निकाला गया, फिल्टर चेंज हुआ, ऑयल चेंज हुआ और फिर यहाँ पे है ना, मुझे एक्चुअली पिछले डिस्क में है ना, यहाँ पे पिछले डिस्क में है ना आवाज़ दे रहा था गाड़ी, तो वो बोला कि वो डस्ट वगैरह से हो सकता है। देखो लाइनिंग्स पड़ी, देखो इस पर डिस्क पर, तो उन्होंने बताया कि डस्ट वगैरह जाती है इसलिए। और ये चेन लूप किया, बस उतना ही किया और कुछ नहीं। फर्स्ट सर्विसिंग में उतने होते हैं, ऑयल चेंज करते हैं, चेन लूप करते हैं और गाड़ी धोके देते हैं। देखो गाड़ी धोई नहीं लग रही है पता है मेरे को, क्योंकि भाई अपन घूमे उतना, सिंपल सी बात है, इसलिए डस्ट फिर से चढ़ गई उस पर। सो या दैट्स इट, उतना ही किया था उन लोगों ने। और अभी घूम रहे हैं हम, हमें थोड़ा सा काम है वो कर रहे हैं। हमारा काम होने के बाद हम फिर वापस से अपने रूट पे लग जाएंगे और आपको बताएंगे वीडियो के आखिर में कि इसने सिटी में कितना माइलेज दिया है, क्योंकि हम बहुत ही गाड़ी को रफ चला रहे हैं। और एक चीज़, ये देखो क्लियरली लिखा हुआ है यहाँ पे, ये मेरा नाम, ये जो मैं शोरूम में गया था ये उसका डेट है 12/2
21 जो कि आज का डेट है, और उस दिन हमारे जो बाइक का सर्विस हुआ उसमें क्या किया, ऑयल चेंज किया जो कि 685 का आता है, फ़िल्टर चेंज किया जो कि 42 रुपीज़ का होता है, वे दूसरा कंज्यूमेबल्स है जो 50 रुपीज़ का लगाते हैं वो, जो उनका ग्रीस जाता है वो, और ये चेन ल्यूब 150 रुपया लगा है चेन लूप का, भाई 150-150 करके 600 रुपये का पूरा किट आता है, वो ले लेता तो ये बच जाते थे, लेकिन कोई बात नहीं, फर्स्ट सर्विसिंग है, सब कुछ कर लिया, टोटल हुआ अपना 927 और कुछ नहीं। ऑन या आई एम सेटिस्फाइड कि मैंने जो जो इशू बताया वो उन्होंने सॉल्व करके दिया, जैसे कि मैंने पिछले वाले डिस्क का बताया था उसमें कोई नहीं है, उन्होंने इसका डिस्क का जो अपना ब्रेक पैड रहता है ना वो निकाले थे और उनको सैंड पेपर से घिस दिया, सो आवाज़ उसका बंद हो गया, थोड़ी देर में वो आने लगेगा, धूल मिट्टी जाएगी उसमें कोई शक नहीं है। आगे का ब्रेक मैं ज़्यादा यूज़ नहीं करता हूँ इसलिए उससे कुछ प्रॉब्लम नहीं है, लेकिन लाइनिंग्स उसमें भी बनी हुई है, और या दैट्स इट। अभी हम 3 घंटे के लिए गायब हो चुके थे पूरी तरह से, कैमरा अंदर रख दिया था क्योंकि हम कुछ काम कर रहे थे, और अभी तक हमारी गाड़ी चल रही है 70 किलोमीटर चल चुकी है, और अभी तक हमारा जो लग गया नाम लेते ही लग गया, वाओ, मतलब हमें कुछ दिया है बस 35 का, क्योंकि हमने हाईवे टू हाईवे गाड़ी नहीं चलाई। सो अभी हमने पेट्रोल डलवाया और किधर गया यार ये, अच्छा यार अपना अगर रिजर्व पे लग गया ना तो आई थिंक ये ट्रिप एफ पे आ गया ऑटोमेटिकली, मैंने कुछ नहीं किया तो ऑटोमेटिकली ट्रिप एफ पे आ गया, 7.7 किलोमीटर चली उसके बाद गाड़ी, मतलब ये रिजर्व वाला ट्रिप लग गया ऑटोमेटिक, और अपना जो ट्रिप है किधर गया, 78 किलोमीटर, नहीं सॉरी 70 किलोमीटर चला गाड़ी, मतलब 2 लीटर में गाड़ी 70 किलोमीटर चला था तो 35 का एवरेज मिला, और मैंने गाड़ी बहुत ही रफ चलाया, पूरा गाड़ी है ना प्योर सिटी में चलाया, ऐसा नहीं है कि हाईवे मिला अच्छा सा खींच दिया ऐसा कुछ नहीं, गाड़ी नॉर्मली चला है, तो भाई सिटी में 35 का एवरेज दे देती है आराम से, कोई बात नहीं है, 35 के नीचे आई नहीं मेरी गाड़ी। यही था अपना माइलेज इन सिटी अपाचे का, इन सिटी बोल रहा हूँ, हाईवे पे अपन टेस्ट करेंगे, बहुत ही एक बड़ी राइड आने वाली है उस टाइम पे चेक करेंगे, लेकिन फ़िलहाल अभी अपने को सिटी में देती है 35 का एवरेज, तो नेक्स्ट वीडियो में आपको हाईवे का एवरेज मिल जाएगा। अगर आपको वीडियो अच्छा लगा तो लाइक कर देना, शेयर कर देना, सब्सक्राइब कर देना, आपको पता है क्या करना है, और हमेशा आपके भाई को सपोर्ट करना, कीप लविंग, कीप सपोर्टिंग, और स्टे ट्यून, बाय बाय।